रेस आइस की करंट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। यह विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, जो कि मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र नंबर 3 में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। हालिया समाचारों के अनुसार वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस कार्यक्रम की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। इस कांग्रेस का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में किया जाएगा। IUCN कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम है, जो हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय और विकास चुनौतियों का निर्धारण करना और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई विकसित करना है। इसके ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और अनुवांशिक विविधता के संरक्षण को बढ़ाने के लक्ष्य शामिल हैं। इस कांग्रेस का पिछला IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस कार्यक्रम वर्ष 2021 में फ्रांस के मार्सिले में आयोजित किया गया था। इस कांग्रेस के दौरान 148 प्रस्तावों और सिफारिशों के तहत 2025 तक अमेज़न के 80% की रक्षा करने और महासागरों में गहरे समुद्र में खनन रोकने के आह्वान शामिल थे। इस कांग्रेस के दौरान IUCN जलवायु संकट आयोग की स्थापना भी की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में काम करता है। यह 1948 में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा एवं एक विविधतापूर्ण पर्यावरण कार्यक्रम है। IUCN का प्राथमिक उद्देश्य प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया की सहायता एवं प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और साथ ही साथ पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए निपटाने के कार्रवाइयों का भी समाधान करता है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। Please subscribe our YouTube channel and download the Race IS app. And information regarding the new batches, please call on the numbers given on the screen. Thank you for watching and have a great day.